नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड एंड रॉक सर में एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा अगर वीडियो देखने पे अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सुपर 60 सीरीज में हम लोग जो है सुपर 30 सीरीज चल रही है, सुपर 60 सीरीज हमारी हो सकता है कल से स्टार्ट हो। तो इसमें जो है हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, औसत पढ़ रहे हैं। औसत में जो है हम लोग 31 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 31 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज उसके आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो 12वीं पारी के बाद उनके रनों का औसत क्या था, ध्यान से समझिए। कह रहा है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, यानी कि 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 63 रन बनाए। तो 12वीं पारी में 63 रन बनाया, जिससे वृद्धि कितने की हो गई, कितने की, 2 रन की, 2 रन की वृद्धि हो गई। और कौन सी वृद्धि हुई, ये औसत वृद्धि हुई। तो कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, यानी कि 12वीं पारी के बाद औसत कितना है, यही हमको बताना है। तो चलिए याद रखिएगा कि अगर हमको आखिरी पारी का रन दिया गया है, क्या दिया गया है, आखिरी पारी का रन दिया गया है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो आखिरी पारी का रन बराबर, ठीक, आखिरी पारी का रन बराबर जो आखिरी पारी है उससे एक कम करिए। तो आखिरी पारी कितनी है, 12वीं पारी है, ठीक, कैसी है, 12वीं पारी। तो मान लीजिए कि माना 11वीं पारी तक औसत बराबर यक्स, मान लीजिए कि 11वीं पारी तक जो औसत है वो कितना है, यक्स है। तो अब समझिए कि आखिरी पारी का रन जो होगा वो बराबर किसके होगा, तो कितनी पारी है, 11 पारी तक का औसत कितना है, यक्स है। 11 पारी तक का औसत यक्स है, और रन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और अगर वृद्धि होगी तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, कमी होगी तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो 11 पारी का जो है क्या हो जाएगा, आखिरी पारी का रन, यानी कि यक्स और प्लस, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 2 रन की, 2 रन की वृद्धि हो रही है। तो कितनी पारी तक वृद्धि होगी, यानी कि 11 पारी तक रन का औसत दिया गया है, तो 2 रन की जब वृद्धि होगी तो कुल टोटल 12 × 2। तो आखिरी पारी का रन कितना है, 63 बराबर यक्स और प्लस 12 × 24, ठीक। तो यहां से यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 63 − 24। तो यक्स बराबर 63 − 24, तो अगर हम यक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको घटा देंगे तो 13 में से 4 घटाएंगे 9, फिर 5 में से 2 घटाएंगे 39। ये 39 तो आ गया हमारा 11 पारी तक का औसत। देखिए ये मानी है ना, यक्स का मान निकला है, अर्थात 11 पारी तक का औसत कितना है, 39। तो 12वीं पारी के बाद औसत बराबर 39 और प्लस कितने की वृद्धि हुई है, 2 की, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 1। तो देखिए क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों तक का औसत कुछ था, तो कुछ था उससे नहीं, मतलब है माना 10 पारी तक औसत उसका कितना था, यक्स था। 11वीं पारी में उसने कितना बनाया, 108 रन बना दिया। तो कह रहा है कि अब उसकी वृद्धि हो गई है, औसत वृद्धि कितनी हो गई है, औसत वृद्धि हो गई है 6, उसका औसत 6
बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि तब अब उसका औसत कितना है। तो चलिए देखिए कि हमने कहा क्या कि 11वीं पारी का रन बराबर जो हमारा 10 पारी तक मतलब इससे एक कम यानी कि 10 पारी तक जो औसत रहेगा वो, और उसमें अगर वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे, कमी होगी तो घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस। 11 पारी टोटल खेली गई है तो 11 गुणे 6 यानी कि 108 बराबर यक्स प्लस 66। यहां से यक्स का मान निकाल लीजिए 108 माइनस 66 तो यक्स बराबर 6 2 8 और 6 4 10 42। तो ये यक्स का मान आ गया मतलब 10 पारी तक जो औसत था वो 42 था और अब औसत कितना हो जाएगा 42 प्लस 6 तो 42 और 6 48। ठीक, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए प्रयास कीजिए। लिखा है क्या लिखा है कि 50 संख्या का औसत 36 था, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 लिखा गया है, तो सही औसत बताइए। समझिएगा, 50 संख्या का औसत, 50 संख्या का औसत कितना दिया गया है 36, 50 संख्या का औसत कितना है 36 है, और कह रहा है कि बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर यानी कि सही अंक या सही संख्या कर दीजिए इसको, सही संख्या थी हमारी 48 और गलत संख्या क्या है, गलत संख्या है 23, मतलब 48 के स्थान पर 23 लिख दिया गया है, तो ये बताना है कि सही औसत क्या है। तो ये देखिए कि जो सही लिखना था वो 48 लिखना था, जो लिखा गया है वो 23 लिखा गया है, मतलब कम लिखा गया है या ज्यादा लिखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो गलत संख्या लिखी गई है वो कम लिखी गई है, ठीक, कम लिखी गई है, तो इसका मतलब कि कमी कितने की गई है, कमी कितने की गई है 48 माइनस 23। 48 माइनस 23 जब करेंगे तो 5 और 2 यानी कि 25 कमी हो गई 25 की, और औसत कमी निकाल लीजिए फिर, औसत कमी अगर यही वृद्धि हुई होती तो हम यहां वृद्धि निकाल के औसत वृद्धि निकालते, कमी हो रही है इसलिए कमी निकाल के तब औसत कमी निकाल रहे हैं, तो औसत कमी बराबर जो ये कमी निकली है वो अपटे टोटल जितनी संख्या होगी उससे क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा, तो कितना आ गया 1/2 या फिर 0.5। तो औसत कमी कितनी हो गई 0.5 की, तो इसका मतलब कि नया औसत क्या हो जाएगा हमारा 36 था, लेकिन अब इतनी कमी हो गई है इसका मतलब इतना और जोड़ना था हमको, अर्थात जो नया औसत होगा वो हो जाएगा हमारा 36.5। कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि 20 संख्या का औसत 89.4 था, बाद में पता चला कि 87 के स्थान पर 78 लिखा गया है, तो सही औसत क्या होगा। तो समझिए 20 संख्या थी, 20 संख्या का जो औसत लिखा गया है वो कितना है 89.4 है, बाद में पता चला कि 87 के स्थान पर यानी कि सही गिनती क्या थी, सही संख्या थी 87, लेकिन इसकी जहां पे लिखा क्या गया है गलत संख्या हमारा है 78, 87 की जहां पे 78 लिख दिया गया है, तो सही औसत बताएंगे।
घटता लिखा गया मतलब कम लिखा गया, तो कमी कितने की गई है, कमी की गई है 87 माइनस 78, यानी कि 78 2 80 7 2 9 की कमी की गई है। तो औसत कमी कितने की होगी, औसत कमी बराबर 9/20 की हो जाएगी, औसत कमी 9/20 की हो जाएगी। अब देखिए इसको काटना हो तो काट दीजिए और ना काटना हो तो ऐसे ही बाद में जोड़ दीजिए। तो काट दीजिए अगर मन है तो, ये जब 9/20 करेंगे तो 0.20 × 80 10/90 फिर 0.20 × 100 यानी कि 0.45 की कमी हो गई। तो यानी कि सही औसत क्या होगा हमारा, सही औसत बराबर कितना है 89.4 है, ठीक। और कमी इतने की हुई अर्थात इसको जोड़ देंगे 0.45 तो ये हो गया 5448.98 89.85 यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लिखा है। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। और अगला जो है जो हमारा पुराना वीडियो है उसको देख लीजिए, और इसके बाद आर्यश अग्रवाल की जो सॉल्विंग है वो हमारी कल से स्टार्ट होगी, कल हम साधारण ब्याज से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर कर दीजिए, जिसको जिसको जानते हो सबको शेयर करिए, सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन में भी क्लास चल रही है लगातार। क्वेश्चन है 8 पुरुषों में 2 की औसत आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है, मतलब कि 8 पुरुष थे, कितने पुरुष थे, 8 पुरुष थे, 8 पुरुष में 2 लोगों की औसत आयु कितनी है, 2 लोगों की आयु है 21 वर्ष और 23 वर्ष। इन दोनों लोगों की जगह पे 2 नए लोग आ गए, कौन आ गया, 2 नए लोग आ गए, तो 2 नए लोग आ गए तो वृद्धि हो गई 2 वर्ष की, कितने की वृद्धि हो गई, 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो हमको ये बताना है कि 2 वर्ष की वृद्धि हो गई तो हमको ये बताना है कि जो 2 व्यक्ति आए हैं उनका औसत कितना है। तो समझिएगा, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर किसी के आने से औसत में वृद्धि हो जा रही है, इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो मजबूत है। तो दो लोग गए तो ये कितने वर्ष के थे, दोनों लोग 3 × 4 और 2 × 2 = 4 44 वर्ष के थे। अगर जो 2 व्यक्ति आए हैं अगर वो 44 वर्ष के होते तो औसत में कोई कमी या वृद्धि ना होती, लेकिन बता रहा है कि जब 2 नए व्यक्ति आ गए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो 2 लोग आए हैं उनका औसत जो होगा वो 44 से ज़्यादा होगा। तो 44 से कितना ज़्यादा होगा देखिएगा, तो नए व्यक्ति की आयु, ठीक, दोनों लिखते रहे, दोनों नए व्यक्ति की आयु बराबर। देखिए चूंकि हमको पता है कि जो गया है वो तो कितने वर्ष का है, 44 वर्ष का, जो आ रहा है उसके आने से 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, टोटल कितने लोग हैं 8, 2 वर्ष की वृद्धि हुई यानी कि 8 × 16 यानी कि 44 और 10 यानी 44 × 6 = 50 = 60। तो जो 2 व्यक्ति आए हैं उनकी आयु कितना है, 60 वर्ष है, कितना है 60 वर्ष है। तो कह रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों का औसत क्या होगा, तो दोनों व्यक्ति का औसत बराबर 60/2 यानी कि 30
वर्ष, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो औसत का जो क्वेश्चन था वो आज खत्म हो गया है। और औसत में कोई भी ऐसा नियम नहीं मैंने छोड़ा कि जो जिस नियम पर सवाल पूछे जाते हों और हमने ना बताया हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए तथा लाइक कर दीजिए। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।